जैसे कृष्णा, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि ठंड में ये बहुत ही पौष्टिक, बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है, जो कि सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या सामग्री ली है। तो ये देखिए, ये मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है और इसे कीस लिया है, और ये इसके लिए लगभग 100 ग्राम किशमिश ली है। ये मैंने बादाम लिया है, जिसे मैंने लंबे लंबे शेप में से काट लिया है, ये लगभग 50 ग्राम बादाम है। ये मैंने चीनी ली है 10 चम्मच, जो कि ये लगभग 50 ग्राम होगी। तो चीनी आप अपने हिसाब से लीजिए, किसी को बहुत मीठा पसंद है, किसी को हल्का पसंद है, तो इसलिए चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, और ये मैंने 1 बाउल भर के दूध लिया है, और मैंने ये 1 बाउल भर के फ्रेश क्रीम, मतलब ये मलाई ली है मैंने, और ये 1/4 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है इस पे, और ये मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें ये जो 1/4 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, इसे हम डाल देंगे, ये जो 1/4 चम्मच। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मैंने घी डाल दिया है, और अब हम इसमें जो बादाम है कटी हुई, ये हम इसे डाल देंगे थोड़ी सी थोड़ी सी, हम इसे गार्निशिंग के लिए रखेंगे, बाकी हम थोड़ी सी इसमें डाल देंगे। और ये जो किशमिश है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, इसे भी हम थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स चाहे जितना भी लें, उतना अच्छा लगता है आपको जितना चाहिए, आप इसमें काजू, पिस्ता सब चीज डाल सकते हैं। हम पहले इसे ऐसे रोस्ट कर लेंगे, इसे हल्के से बस घी में हम इस ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें ये जो गाजर है किसी हुई, ये हम इसमें डाल देंगे, और डाल के हम इसे चला लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये जो किसी भी गाजर है, ये मैंने इसमें पूरी डाल दी है, और डाल के अच्छे से इसे चला लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ढक देंगे, ताकि ये थोड़ा स्टीम हो जाए, थोड़ा सा भाप से ये पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका लीड ओपन करके देखिए, ये गाजर जो है, ये भाप से, स्टीम से थोड़ी पक जाती है, इसीलिए हमें इसे 10 मिनट के लिए ढकना है। और अब हम इसे इसमें ये जो दूध है, मैंने जो 1 बाउल दूध लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। गैस को हमें फुल फ्लेम रखना है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये जो मलाई है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये जो मलाई है, इसी से ही इसमें खोवे का, मावे का टेस्ट आएगा फ्रेंड्स। इसे फुल फ्लेम पे रख के हमें इसे अच्छे से सब मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये दूध और मलाई जो है ये डाल दी है, और हम साथ ही साथ इसमें ये जो इलायची पाउडर है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, डाल के हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। आप इसमें मलाई चाहे तो और भी ले सकते हैं, क्योंकि उसी से मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है गाइस, कि मैं घी इसमें इसलिए नहीं डालती हूँ, क्योंकि जो मलाई मैं डालती हूँ, उससे खोवे का भी टेस्ट आता है, उससे मावे का टेस्ट आता है, और प्लस वो घी भी छोड़ देता है, घी उसमें से ऑलरेडी हम मलाई वैसे भी निकालते हैं, तो घी निकलता है। तो ये मेरे दोनों फायदे हैं इसमें, कि मतलब आपको घी भी नहीं डालना पड़ेगा, और मलाई से आपको खोवे का टेस्ट भी आएगा, और घी भी ऑटोमेटिक हमारे हलवे में मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं घी बिल्कुल बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ हलवे में। तो हम इसे अब इसे अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसे ढक देंगे मीडियम फ्लेम करके, और 5 मिनट बाद आप इसे फिर से चला लीजिएगा एक बार। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे 5 मिनट बाद खोल के इसे चला लिया था, और अब हम इसे चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे ढकना नहीं है, अब हम इसे कंटिन्यूस इसे स्टर करेंगे, कंटिन्यूस हमें इसे चलाते रहना है। गैस को मैंने फुल फ्लेम पर रखा है, और हम इसे कंटिन्यूस इसे चला लेंगे। मैं
तब तक चलाना है जब तक कि ये हमारा घी न छोड़ दे। आप खुद ही इसमें देखेंगे कि ये हल्का हल्का हमारा घी छोड़ने लगेगा। हमें इसे कंटिन्यूस फुल फ्लेम पे अच्छे से इसे चलाना है, लगातार हमें इसे चलाते रहना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 15 मिनट से मैं लगातार चलाए जा रही हूँ, अभी भी ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। हमें इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है, नॉनस्टॉप हम इसे बस चलाते रहेंगे फुल फ्लेम पे, तभी हमारा हलवा अच्छा रेडी हो पाएगा। हलवा नाम ही ऐसा है कि जिसे हमें हाथ को अपने लगातार हिलाते रहना है, तभी वो हलवा अच्छा स्वादिष्ट बन जाता है। तो हम इसे लगातार, जब तक कि ये हमारा घी न छोड़ दे, तब तक हम आपको दिखाई देने लगेगा कि इसमें ये देखिए, ये हमारा घी छोड़ने लगा है। तो अब हमारा ये हलवा रेडी होने लगा है। हम इसे थोड़ी देर और लगातार चलाते रहेंगे। आप इसे देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है ये थोड़ी कम भी हो गई है, तो इसका मतलब अब ये हलवा बनने के कगार पे है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हलवा एकदम रेडी हो गया है, एकदम तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये कैसे घी छोड़ दिया है, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बिना घी के बस मलाई से इसका टेस्ट आता है, क्योंकि वो मावा का काम करता है। यही मेरे हलवे की सीक्रेट रेसिपी है कि मैं घी यूज नहीं करती हूँ, मैं मलाई यूज करती हूँ, और चाहे तो दूध भी, मतलब दूध मैं हमेशा हर हलवे में नहीं डालती हूँ, लेकिन मलाई तो मैं लौकी के हलवे में, जो मैंने फर्स्ट मेरा वीडियो है, मैंने उसमें भी मलाई यूज की है, और गाजर के हलवे में भी मैं मलाई यूज करती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छा एक मावे का टेस्ट आता है, और ये हमारा घी का भी काम कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा हलवा एकदम रेडी है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में सर्व करते हैं। गैस को हम ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गाजर का हलवा एकदम तैयार हो गया है, और अब हम इसपे ये जो कटे हुए बादाम है, इससे हम इसपे इसे गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। तो आप भी इस ठंड में ये गाजर का हलवा, ये पौष्टिक हेल्दी गाजर का हलवा जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई करिएगा। ये बच्चों को तो ऑब्वियसली बहुत पसंद आता है, और इस नए साल पे आप सभी को, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को, सभी को ये नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो सो गाइज, अगर आपको मेरी ये हलवे की रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।